पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तो यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से सरकारी बसों में यात्रा करने वाले राज्य और जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सीट उपलब्ध कराने संबंधित मांग पर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किया है, जिसमें निगम एमटी आरपी सिंह ने कहा है कि बसों में यात्रा करने वाले पत्रकारों को परिचालक सीट उपलब्ध कराएंगे। सीट खाली होने की दशा में अगर कोई सामान्य यात्री उस पर बैठता है तो पत्रकार के आने पर उसे खाली कराने की जिम्मेदारी परिचालक की होगी। गौरतलब है कि इसी पर सोमवार से यूपीडब्ल्यूजेयू अध्यक्ष पीबी सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंध निदेशक आरपी सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि जनरत सहित सभी सेवाओं की बसों में पत्रकारों को अपने लिए आरक्षित सीट हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। आदेश जारी करने के लिए परिवहन निगम एमटी को धन्यवाद दिया। अभी 4-5 दिन पूर्व ही यूपीडब्ल्यूजीयू का एक प्रतिनिधि मंडल एमडी यूपीएसआरटीसी से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जरूरी समस्याओं को लेकर के मिला था। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए जो बसों में आरक्षित सीट मिलती है उस संदर्भ में वार्ता हुई थी, जिसे लेकर के एमडी रोडवेज ने हमारी समस्या को बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हुए और उसके अगले दिन वर्चुअल मीटिंग में सारे आरएम्स को एक निर्देश देते हुए ये कहा था कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए जो आरक्षित सीट पर बैठते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज हमारी टीम को, हमारे पूरे यूनियन की टीम को बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि कल ही जो है यूपीएसआरटीसी के एमडी ने ये आदेश जारी करते हुए अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बसों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आए तो उसकी जिम्मेदारी निहित की जाए। हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी श्री आरपी सिंह जी को यूपीडब्ल्यूजेयू की टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही समय समय पर यदि कोई समस्या पत्रकारों के लिए आती रहेगी तो उसका निदान करते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।